विश्लेषण हमने आपके सामने रखा, जो वैल्यूएशन हमने आपके सामने रखे, आप देख लीजिए उसका असर दिख रहा है। दीप, 1200 रुपए का जो पहला टारगेट था, हालांकि थोड़ी देर पहले हम रिवाइज कर ही चुके थे, महीने भर पहले भी जब ये मर्जर की खबर आई थी तब हमने कहा कि अब 1200 का टारगेट तो छोटा वाला है, साइन सील डिलीवर्ड 1200 तो है, लेकिन 1500-1600 के टारगेट के लिए होल्ड करें और उसके बाद रिव्यू करेंगे। इस तिमाही के नतीजे आने के बाद देखेंगे और उसके बाद देखेंगे वित्त वर्ष 2023 में क्या परफॉर्मेंस दोनों डिवीजन की मिलकर आती है, फूड डिवीजन और रुचि सोया का जो ऑलरेडी ऑयल और बाकी का जो कामकाज है, एग्जिस्टिंग कामकाज, इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी मिलकर आती है, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक का आगे फाइनली वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। डन फॉर द डे। बट जो टारगेट दिए थे ओएफएस के बाद के, वो तो आपकी स्क्रीन पर आ गए, अब होल्ड करना चाहिए जिनके अभी भी होल्ड करना 100% कोई सवाल ही नहीं। अब वैसे भी 650 का 1200 आपके लिए और आज भी लिया है तो भी आपके लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल, कोई स्टॉक में आपकी तेजी और बड़ी अपसाइड तभी बन पाती है जब आपके लेने के बाद उसमें कुशन बन जाए, फिर क्या 5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो भी आपको डर नहीं लगता जी। कि चिंता नहीं, चलो कोई बात नहीं। सो आई थिंक कुशन जिसके पास है उसको फिर पूरी अपसाइड लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो अपसाइड का पूरा एंजॉय करें। रुचि सोया अभी भी होल्ड करिए, पहले टारगेट हिट हो गए हैं अनिल जी के यहाँ पर।